वेलकम, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अल्कोहल शराब के विड्रॉल के समय में क्या लक्षण होते हैं और जब वो शराब लेना एकदम बंद कर दे रहा है तो क्या होता है उसके बारे में, और मैं आपको पेशेंट बताऊंगा, उसके जुबानी आप सुनेंगे कि उसको क्या हुआ था और वो कैसा रिकवर हुआ। तो आइए, स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन की तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, मुंबई, पुणे, यहाँ हम हमारे हॉस्पिटल से हम प्रैक्टिस करते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, लोगों को ऑनलाइन सलाह देते हैं और ऑनलाइन सलाह देके लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम उनको गाइडेंस करके कोचिंग करते रहते हैं, काउंसलिंग करते रहते हैं। तो अल्कोहल में होता क्या है कि एकदम, मतलब शराब लेने वाला व्यक्ति एकदम एकाएक शराब बंद कर देता है तो उसको नींद नहीं आती, उसको हाथ थरथराना, पसीना आना, बेचैन होना, ऐसे लक्षण, घबराहट, ऐसे लक्षण आते हैं और उसके साथ साथ वो पूरा डिसओरिएंटेड हो जाता है। मतलब कुछ लोगों में दिखा जाता है, ऐसा नहीं सभी लोगों में, डिसओरिएंटेड मतलब उसको मालूम नहीं रहता कि अपन कहाँ है, कौन सी जगह पे, उसको लगता है कि अपन घर पे है या खेत पे है या ऑफिस में है या मंदिर में है। वो लोगों को ऐसा बुलाता, आइए आइए बैठो बैठो, मतलब उसको विजुअल हेलुसिनेशन दिखते हैं, मतलब जो चित्र है ऐसे लोगों के वो चित्र सामने दिखते, उसको लगता है कि वो लोग आ रहे हैं। उसको कानों में आवाज़ आती है कि लोग आ रहे, बुला रहे, पकड़ रहे, मार रहे, ठोक रहे, ऐसे कानों में आवाज़ आती है, चेहरे दिखते हैं और उसको मालूम नहीं रहता कि अपन कहाँ है। खाना नहीं चलता उसको खाने के लिए, वो नहीं नहीं बोलते रहता है, नींद नहीं आती, घबराया हुआ रहता है क्योंकि उसको आवाज़ आती है, चेहरे दिखते हैं तो घबराया रहता है, भागता है इधर उधर, कोई किसको मारेगा, भागेगा या किसका गला दबाएगा, मतलब कुछ भी कर सकता है, उसको ऐसा डर लगता है, घबराया इंसान रहता है। देखिए खुद ही पेशेंट क्या बोलता है तो उसके मुँह से। मेरे कान में ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई आगे आगे बुला रहा है, कोई ये रूम में से वो रूम में, वो रूम में से ये रूम में, कभी हाँ। नीचे कभी ऊपर, कभी कैबिन के पीछे छुप जाता था, कभी हाँ। कोई भी पेशेंट के रूम में चले जाता था, उनका दरवाजा बंद करता था, उनको बोलता था चुप रहो हाँ। बताओ मत मैं यहाँ पे हूँ हाँ। फिर भी मेरे को मेरा जो दोस्त था मेरा बड़ा भाई, वो मुझे पकड़ के लेके आता था, फिर भी मैं उसके हाथ छुड़ा के रुक, दो मिनट में आया करके मैं फिर से भागता था हाँ। सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कुछ पता ही नहीं, लेकिन हाँ। जब मैं उठा तो उसके बाद में मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी आज कैसा लग रहा है? आज तो एकदम मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, खुद घूम रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, सबसे बातें कर रहा हूँ, कोई किसी को ऐसा लग रहा भी नहीं कि मैं पेशेंट हूँ करके। हाँ गुड, बहुत अच्छा। तो ये शराब आप पीते हैं ना, कितने साल से शराब पी रहे? मैं तो पिछले 15 साल से पी रहा था, जब 18-19 साल का था जब से। उसके बाद में आपके पास में पहली बार जब आया था तो मैं कम से कम 10 महीने तो शराब को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद में एक फंक्शन में गया था, दोस्त लोगों के साथ में बैठा, वहाँ गलती से पी लिया, तो उसके बाद में पीना चालू हो गया, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं ट्रीटमेंट के लिए आया नहीं। अच्छा। उसके बाद में फिर से मेरा पैर ठीक होने के बाद में फिर से मेरा पीना चालू हो गया, फिर भी उसके बाद में 3-4 दिन यानी लगातार 15 दिन सुबह उठते बराबर शराब पीता था, नींद में से उठा के शराब बिस्तर में से इसको बोलता था। अभी क्या तय किया? अभी इतना तय किया था कि मैं बोला चलो सर से मिलता, अभी सर को बोलता सर फिर से गलती नहीं करूंगा, एक बार मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पियेंगे नहीं, अभी पक्का हो गया निर्णय, पक्का हो गया। जो गोली आती है ना वो गोली ले लो आप, कि जो गोली आप लेते हैं तो शराब पीने की समझो इच्छा ही कम हो जाती है उससे, और समझो शराब पीते हैं तो बहुत बड़ा रिएक्शन वो गोली के बाद में ऊपर आता है, तो वो देंगे आपको, वो ले लो आप। ठीक है? हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो आपने सुना कि उसको क्या हुआ और अभी वो कम्प्लीटली ऑल राइट हुआ। होता क्या है कि लोगों को हम एडमिट करते हैं, ऐसे एडमिट करने के बाद में उनको नींद की दवा देते हैं, खाना पीना उनको ठीक नहीं रहा तो उनको सलाइन लगाते हैं, आईवी फ्लूइड्स वो देते हैं, फिर विटामिन के इंजेक्शंस, मल्टीविटामिन के इंजेक्शन, B1, B6, B12 के इंजेक्शन देते हैं, अच्छी नींद के लिए और अच्छी भूख के लिए दवाइयाँ, और उसको समझो फिट वगैरह आती है क्योंकि शराब छोड़ने से खाली बार फिट आ जाती है, तो फिट के लिए उसको दवा देते, यदि फिट आ रही होंगी तो, या उसकी हिस्ट्री होंगी तो। खाना पीना ठीक ना तो काफ़ी आईवी फ्लूइड देना पड़ता है। 72 आवर्स तक हम बोल नहीं सकते कि ये डिलीरियम जो है उसको, अल्कोहल विड्रॉल में डिलीरियम आया हुआ है,
तो डिलीरियम में क्या होगा पता नहीं, वो जानलेवा भी हो सकता है। 72 घंटे तक वो ऐसा धूमधाम चलते रहता है, 72 घंटे में वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे में ठीक हो जाता है वो। बाद में फिर हम उसको ऐसी दवा देते हैं कि फिर उसको एक प्रिवेंटिव शराब के लिए डायसल्फिराम नाम की दवा, कि जो गोली वो सवेरे शाम लेता है, और वो गोली लेता है तो उसको एक धौंस रहती है कि नहीं ये गोली के ऊपर मैं शराब लूँगा तो उसको रिएक्शन आएंगे, क्योंकि वो गोली के ऊपर जब शराब लेता है तो उसको काफ़ी ज़बरदस्त रिएक्शन आ सकती है। तो इसलिए फिर वो जो लोग एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब एकाएक शराब लेना मतलब लेने के लिए जाते हैं उनके लिए अच्छा है, कि सुबह तो उनका पक्का रहता है कि शराब लेने का नहीं, मगर शाम को जैसा टाइम आ गया वो फटाक से जाते और शराब लेते। तो ऐसे लोगों को सवेरे शाम गोली दिया तो उनको मालूम है कि अपन अभी गोली खा रहे, इसके ऊपर शराब लिया तो तकलीफ हो जाएगी, रिएक्शन आ जाएंगी, इसलिए फिर वो एकदम एकाएक झटके में शराब लेने नहीं जाते। तो हम उनको वो गोली देते हैं, धीरे धीरे बाकी सारी गोलियाँ कम हो जाती है, उनको हम अल्कोहलिक एनोनिमस नाम का जो ग्रुप है वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। फिर उनको हिप्नोटिज्म सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं ताकि वो रिलैक्स होए, मेडिटेशन सिखाते हैं, उनको ग्रुप थेरेपी में उनको भेजते हैं, उनकी ग्रुप थेरेपी होती है, फैमिली के साथ में संवाद होते रहता है, फैमिली थेरेपी होती रहती है, और उसमें उनका इलाज हो जाता है। तो यह है अल्कोहल विड्रॉल का जो डिलीरियम है उसका इलाज। काफ़ी लोगों को ऐसा होता होगा, आपके संपर्क में काफ़ी लोग आते हैं वो शराब छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर उसमें बचेंगे नहीं। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि उनको ये पता चलेगा कि भाई शराब बंद करने के बाद में जो भी 3-4 दिन उसको तकलीफ होती है वो ट्रीटेबल है, और वो एक बार 3-4 दिन निकल गए कि उसकी शराब छूट जाएगी। तो ज़रूर वीडियो आपके ग्रुप में शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है तो उसको क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी सवाल होंगे तो ज़रूर हमको कॉलिंग कीजिएगा, आपके सवाल डालो, ये मतलब इसके इसमें आपके कमेंट्स डालते जाओ, ताकि हम अगला भी वीडियो जैसा आप बोलेंगे वैसा हम तैयार कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।